यही यही हो रहा ट्रेन यही 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 मोदी के हमारे करने आया और तब से खुद का फोटो ले रहे हैं दोस्तों मानते हैं क्लाइंट है हर बात क्लाइंट का बहुत विश्वास नहीं करना चाहिए क्लाइंट भगवान होता है क्लाइंट जो बोलता है उसी पे भरोसा करना चाहिए प्रभु नमस्कार वापस से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल बैकलाइट पिक्चर फिल्म एंड फोटोज़ के एक और प्री वेडिंग मेकिंग सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे झारखंड से राजस्थान गए और राजस्थान के तीन बड़े शहरों में प्री वेडिंग शूट करा, उसके बिहाइंड द सीन्स, उसके मेकिंग, हमारी मस्तियाँ, सब कुछ आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगी। ये सीरीज़ के कई वीडियो कई टुकड़ियों में आएगी, जिसका ये पहला एपिसोड है। इस एपिसोड में हम झारखंड के धनबाद से जोधपुर तक की जर्नी को कवर करते हैं। इसके आगे के एपिसोड में आपको जोधपुर से जैसलमेर और जैसलमेर से जयपुर तक की जर्नी देखने को मिलेगी, जिसमें हमें काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो वीडियो में बने रहें, काफ़ी मज़ा आने वाला है। हमारे मेन काम का और आने वाले सारे एपिसोडों का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। हाय गाइस, दिस इज सौरभ भगत, वेलकम बैक टू आवर चैनल, नॉट माय चैनल, बिकॉज दिस इज हम सभी का चैनल है, और मेरा सिंगल चैनल नहीं है, आपका भी है, हमारा भी है, हमारी पूरे टीम का चैनल है। तो वेलकम बैक वंस अगेन, और आज हम हैं धनबाद में, और धनबाद ब्लैक डायमंड का शहर जिसको बोलते हैं, कोयलों का शहर जिसको बोलते हैं, भाई जब गैंग्स ऑफ वासेपुर फैजल कब खून खोलेगा दे तेरा। तो सो गाइज, वी आर मूविंग फॉर राजस्थान, सस्पेंस क्रिएट नहीं करते। आज रात में हमारे ट्रेन है, हम राजस्थान के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा, क्योंकि हम डालेंगे नहीं तो क्लिक बेट बनेगा नहीं, क्लिक बेट बनेगा नहीं तो लोग क्लिक करेंगे नहीं, क्लिक करेंगे नहीं तो देखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं तो व्यूज आएगा नहीं, इसलिए। तो रात भर हम अपने होम टाउन बधेट भदवा से सफ़र करते हुए वनांचल एक्सप्रेस से धनबाद आए, और अभी हम अपने क्लाइंट के घर में हैं जो कि उज्ज्वल भैया हैं, अभी हम उनके घर में हैं, और अभी हम लोग 9th फ्लोर में हैं उनके अपार्टमेंट के। यहाँ पर तुलसी का पौधा लगा हुआ है सारे, और ये 9th फ्लोर है, ये धनबाद का नज़ारा। और बस हम लोग आज निकलेंगे, आज रात में हमारे ट्रेन है, तो हम सुबह यहाँ पे पहुँच गए थे, और वहाँ से यहाँ तक का जर्नी कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं, रात में हम लोग निकले थे, बाकी यहाँ पहुँच गए। तो जर्नी अब स्टार्ट होगा हमारा धनबाद से जोधपुर के लिए, तो जर्नी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। पूरा दिन आज हम लोग यहीं पर हैं दिन भर, और फिर रात में हमारा ट्रेन है। तो यही था कि मैंने बोला ब्लॉग स्टार्ट करते हैं धनबाद से ही। अभी प्लान है कि हम लोग मार्केट जाएंगे, कुछ कुछ शॉपिंग करना है अपने को, भैया को भी करना है। अभी हम सो के उठे क्योंकि रात में हम लोग ऑलमोस्ट जगे हुए थे, ट्रेन में नींद किसी को आया नहीं, बातें शातें हो रही थी, तो अब सीधे निकलते हैं, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलेंगे मार्केट के लिए, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करना है, शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद फिर वापस से आएंगे, पैकिंग वैकिंग करेंगे, सारे लोग ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं, सब बैठे हुए, इतना भी एक्साइटमेंट कुछ था नहीं जितना लोग प्रिटेंड कर रहा था। कोई बात नहीं दोस्तों, मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट को लेकर के, बने रहे ब्लॉग में, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हाँ भैया, भैया पैकिंग, आप इसको आप बस छोड़ दे देंगे, हमको हमको ही नहीं मालूम रहता है कि कौन सा सामान कहाँ है, पैकिंग का जिम्मा इसी का है। आप छोड़ दीजिए भैया, आप छोड़िए ना, देखिए ना पैक कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए, और कुछ
कैसा महसूस हो रहा है भाई? थका थका सा महसूस हो रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत थका थका सा। बहुत थका। सब लोग थक चुके हैं, हम ही थोड़े आराम से आ रहे हैं। ब्लॉग कर रहे ना भाई, काम काम कर रहे ना। एकदम सीधा आ रहा है। पूरा प्लेटफॉर्म भर चुका है सारे यात्री लोग से। चलो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। जैसा कि आकाशवाणी हुआ है यहाँ पे कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी ट्रेन आएगी, लेकिन इंडियन रेलवे पे का कोई भरोसा नहीं। एंड टाइम पे वो प्लेटफॉर्म नंबर बदल देते हैं कि दूसरे प्लेटफॉर्म, फिर इतना सामान लेके हम लोग दौड़ेंगे दूसरे प्लेटफॉर्म पे। काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों, बने रहे ब्लॉग में। सो दोस्तों अभी देखिए ट्रेन बहुत लेट है, हम लोग का रुकना नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों नींद का रहा है भाई, सो का रहा है, जगह रहो अभी भाई। आप कीजिए, आप अच्छा से कीजिएगा, उस पर झुकेगा नहीं। सो गाइस, हम लोग बोर्ड कर चुके हैं अपने ट्रेन में, और ये हमारा सीट है। कुछ सीट उधर है, कुछ सीट इधर है, बाकी हम लोग सारे 10 लोग हैं जो जा रहे हैं। और गोपू यहाँ पर प्रिपरेशन में लगा हुआ है अपना पूरा, और ट्रेन हमारा, हम सीट हमें मिल चुकी है सारा। अभी रात के टाइम है, रात के टाइम अभी हम लोग सोते हैं, और आराम से सुबह आप सभी से सुबह फ्रेश मॉर्निंग के साथ आप सभी के साथ बातचीत स्टार्ट करेंगे, और आपको अपडेट देंगे आगे क्या करना है। तो टाटा, गुड नाइट, बाय बाय। एंड डबल टैप करके इधर घुमा लीजिए इसको। गुड मॉर्निंग गाइस, एंड वेलकम बैक वंस अगेन। चैनल में तो आप पहले आ ही चुके हैं, और सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 10, और हम अभी 9 बजे आधे घंटे पहले सो कर उठे। रात में ट्रेन अराउंड 3 घंटे लेट हो गई थी हमारी। धनबाद रेलवे स्टेशन से हम लोगों ने जोधपुर के लिए ट्रेन लिया है, और हम सब उठे फ्रेश हो करके, थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता किया। एक्चुअली रात के लिए जो आंटी हैं हमारे क्लाइंट की, जो मम्मी हैं, वो मछली बना कर दी थी, और काफ़ी टेस्टी। मैं कल रात से ही सुन रहा था कि काफ़ी टेस्टी मछली बना हुआ है, और सुबह हम लोगों ने खाया, काफ़ी टेस्टी था वो। और बस ट्रेन में आज पूरे दिन चिल मारना है। कल सुबह ट्रेन का टाइम तो 3 बजे है जोधपुर में, लेकिन अब देखते हैं, अगर मेकअप करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो लेट से ही पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर कल से कंटिन्यू 3 तारीख तक हमें पूरा शूट ही करना है। तो कैमरा के पीछे हैं हमारे दोस्तों जिंदगी बस चल तो रही थी, ट्रेन की तरह है दोस्तों, जिंदगी जो है वो बस एक ट्रेन की तरह है। यही नहीं, अभी और सुनिए, जो है वो बस एक ट्रेन की तरह है, सफर का मजा लीजिए, मंजिल का नहीं। कुछ बोला क्या बोला सागर, बाबा जी बन के बैठे हरा भाई जो गिरे गाइस लोग ना, यही हो रहा ट्रेन, यही खो दिखा दिखे लोग दोनों को। भाभी भैया को सुला रहे हैं, भाभी खुद नहीं सोई।
कम से कम मुंडी तो उठते हैं। दोस्तों अगर मेरी आवाज रेल मंत्री तक जा रही है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये जो ट्रेन है हावड़ा बरमेर एक्सप्रेस, इसके ड्राइवर को ट्रेन चला नहीं आता, बार बार क्लच बहुत जोर जोर से छोड़ देता है जिसकी वजह से हमें झटका महसूस होता है। दोस्तों दो बार मुंह कमर दर्द उठ करके गला दर्द पे पहुंच चुका है दोस्तों, 27 का शिकार हो चुका है दोस्तों, इसका माथा बुढ़िया है दोस्तों, और सरकार से हम मुआवजा चाहिए दोस्तों, मुआवजा चाहिए, मुआवजा की गुहार लगाते हैं दोस्तों, 5-5 लाख रुपए तक कम से कम मिलना चाहिए, कम से कम। तो हम लोग उठ चुके हैं और पहुँचेंगे, अब उठाना होगा बच्चे लोग को, बच्चो सबको यहाँ उठा हुआ ही है, इतना सुबह कौन उठाता है भाई, लेके जाते वहाँ दोनों नहीं सो गाइस गाइस दोनों आग मैंने दिखा दिया गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम जोधपुर, और हम जोधपुर पहुंच चुके हैं दोस्तों, मैं पहुंचने वाले वी आर अबाउट टू रीच जोधपुर, और जोधपुर पहुंचने के बाद फिर अब हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं। तो अभी हम फिलहाल तो ट्रेन में ही हैं, मज़ा आएगा मज़ा आएगा ना जाने किस बात का मज़ा आएगा दोस्तों। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो बस हम लोग स्टेशन से बाहर एग्जिट हो रहे हैं, और यहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग प्लान करते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या क्या सूट करना है, पहले कोई होटल चेक इन करते हैं, सामान रखते हैं, फ्रेश होते हैं, उन दोनों को रेडी करवाते हैं कपल, और उसके बाद फिर चलते हैं। जोधपुर गाइस कम बैक करे, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो गाइस हम लोगों ने एक छोटा सा अच्छा सा क्यूट सा गेस्ट हाउस ले लिया है दोस्तों, गाइस से काम कर रहा है, तो अब ऑन ए सीरियस नोट अब काम की बातें करते हैं। तो ये गेस्ट हाउस हम लोगों ने तुलसी के झरदा के पास, मतलब घंटाघर मार्केट के पास ही लिया है, और बाहर एक ऑटो वाले भैया मिले थे, सेजू नाम था उनका, उन्होंने हमें पकड़ लिया, तो हमें पकड़ा गया, और उसके बाद डील करना सीखो भाई, यहाँ पर राजस्थान में बहुत दर्द मोलाई होता है, ये होटल का 300 रुपये पर मेम्बर बोला था, हम लोग 1800 में दो बड़ा बड़ा रूम लिया, तो ठीक है बस यही था दोस्तों कि हम यहाँ पे अब आ गए, थोड़ा देर रेस्ट वेस्ट करते हैं, भैया भाभी को रेडी करते हैं, मेकअप वेकअप ये करवाते हैं, एक हमारी मेरी एक फ्रेंड है दीक्षा, वो मेकअप आर्टिस्ट है एक्चुअली, तो मैंने उसे भी ज्वाइन करा है इसमें, वो भी ज्वाइन हो रही है, तो वो आ रही है, अब आने के बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से तुलसी का झरना, पास में महानगढ़ फोर्ट और पास में ब्लू स्ट्रीट से, वहाँ पे जाकर हम लोग शूट स्टार्ट करेंगे। तो गाइस जाना मत यार, और क्यों हंसे भैया, भैया क्या तो हंसी नहीं आएगा। तो दोस्तों काम की बातें करते हैं दोस्तों, काम की बातें हो गई दोस्तों, अब ज्यादा आप भी बोल जाएंगे दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग में, काफी ज्यादा मजा आने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारा हमारे काम का, इस काम का भी अभी तक हम अपलोड कर दिया दोस्तों, तो आप जाए देखे और इंजॉय करें हमारे चैनल। सो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट सेट है और यहाँ पे सेटअप चल रहा है हमारा, भैया रेडी, आप रेडी नहीं लग रहे, छोड़ दे, और यहाँ पे हमारे जो पंटर गर्ल जो बच्चे हैं वो सब रेडी हैं, और भैया भाभी इज गेटिंग रेडी, हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट जो मेरी फ्रेंड थी वो भी आ चुकी है, और वो उनका मेकअप
करेंगे सुबह यहाँ पर सेटअप कर रहा है सारा कैमरा वगैरह, और पास में ही अब है, अब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे विद द नेम ऑफ गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। तो बाथरूम से चिल्ला रहा है, चलो कोई बात नहीं, भगवान का नाम दिल से लेना चाहिए। हाँ निकॉन का बैग, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहे ब्लॉग में। अब यहाँ से आपको आने वाला है मजा, क्योंकि वेदर काफी फर्स्ट क्लास है राजस्थान का, और शूटिंग जो है ना, लोकेशन है ना चुम्मा। तो फाइनली 11:07 हो रहा है, हमारा निर्धारित समय से हम थोड़े से लेट हो गए हैं, और अब हम लोग वी आर ऑल गुड टू गो, सब सेट है हमारा, सब हमारे जवान लोग तैनात हैं। यहाँ देख लें आप, ये जवान ये एक्चुअली क्लाइंट के भाई के दोस्त है, ये बस हेल्प कर रहे हैं हमारा जी जी, हमने बस आपदा को अवसर बनाकर इन्हें पकड़ा दिया है। और ये हमारे उज्जवल भैया है, लेट मी हमारे करने आया और तब से खुद का फोटो ले रहे हैं। दोस्तों मानते हैं क्लाइंट है, हर बात क्लाइंट का बहुत विश्वास नहीं करना चाहिए। क्लाइंट भगवान होता है, क्लाइंट जो बोलता है उसी पे भरोसा करना चाहिए। तो ये हमारे उज्जवल भैया, उज्जवल भैया का मास्क अभी कोरोना नहीं पकड़ रहा है, प्लीज एक बार मास्क हटा के दिखा दे। हाँ जनता, हम आपको मिलाने चाहते थे। आप भी अपना पहले का जो लाइन था वो मेरा ही बोला हुआ था, हकीकत छुपाइए आप अपना हकीकत छुपाइए। और भाभी से अभी कुछ ही देर में आपके सामने हम प्रकट करवाते हैं भाभी को। नहीं जादू वादू कुछ है नहीं हमारे नहीं, भाभी का जूता था, भाभी अभी कुछ देर के लिए। ठीक है अभी हम लोग निकलेंगे तुलसी का जल्दा, वहाँ पे जाके हम लोग शूट अपना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर ब्लू स्टेट में हम लोग शूट करेंगे। बने रहिए ब्लॉग में, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में है। और अभी 2-3 सेकंड पहले मैं बता रहा था कि मैं भाभी से आपको मिलूंगा, तो ये इज आवर ब्राइड, इज ब्राइड और हमारी भाभी, और जिनका हम लोग शूट करने वाले हैं। सी लुकिंग सो प्रीटी भाभी, यू आर लुकिंग सो गुड, पैसा नहीं मिलेगा। और हमारी एक और मित्र हैं जो 2 दिन से नहीं थी हमारे साथ। हेलो, पहचान नहीं पाया कोई। हेलो हेलो, हर नेम इज दीक्षा, शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट। ठीक है बीच में देते रहेंगे दोस्तों, बोर हो जाएंगे। पर भैया, पर भैया, हाँ शूट इज ऑन गाइस। अगर आपने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया कमेंट में बताएं कि हमारा काम कैसा लगा आपको, और कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारे मेन चैनल बैकलाइट पिक्चर फिल्म एंड फोटोज़ के को सब्सक्राइब करें, ताकि आप वहाँ पे हमारे मेन जो वर्क होते हैं उसको आप देख सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लें, बैकलाइट पिक्चर्स 1 जो सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो आगे के एपिसोड्स में आपको जोधपुर से जैसलमेर और जैसलमेर से जयपुर की जर्नी आपको देखने वाली है, जहाँ पे हम कड़ी धूप में रेगिस्तान में भी शूट करते हैं, तो ये सब का अनुभव हमारा काफ़ी अच्छा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखना ना भूलें, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे एपिसोड्स के लिंक आपको मिलेंगे, जाइए और इन्जॉय कीजिए हमारे राजस्थान के प्री वेडिंग मेकिंग सीरीज़ को।